morning, everyone. It's 5 o'clock right now. और डिसाइड किया था कि आज सुबह जल्दी उठेंगे और अगर वेदर क्लियर है तो विल मूव टूवर्ड मनाली साइड और एल्स विल मूव टूवर्ड अमृतसर. ये दोनों अभी तक सोए हैं. उठाता हूँ एक बार वापस. आर्यन, गणेश, उठो, चलो. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. चलो, वेरी गुड. गेट अप फास्ट, रेडी हो जाते हैं. ठीक है, चलो. मैं रेडी होके फिर आपको बताता हूँ क्या करना है, क्या कैसे शेड्यूल है हमारा. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन ऑल सेट. नाउ हम सब यहाँ से अब निकल रहे हैं. वी हैव प्लान कि मनाली जा रहे हैं. ड्राइवर से बात हुई हमारी, तो ड्राइवर ने कहा सोलांग वैली तो पॉसिबल नहीं है, बट मॉल रोड वगैरह पॉसिबल है और हिडम्बा टेम्पल जाने के लिए शायद हमको वॉकिंग करके जाना पड़े. तो लेट्स सी क्या है सीन. अगर जाने मिला तो व्लॉग कंटिन्यू होगा मनाली का, और एल्स विल एग्जिट एंड विल मूव टूवर्ड्स कहाँ जाएंगे, अमृतसर की तरफ जाएंगे. लेट्स होप फॉर द बेस्ट, देखते क्या होता है. चलिए ठीक है, हमारे दीपू भाई रेडी है, गर्म हो रहे थोड़े वो, ज़रा उनके पास जाते. अच्छा, इधर जीनल मिस भी है. हाय जीनल मिस. हाय सर. ज़रा दीपू भाई गर्म हो रहे, ज़रा उनके पास जाता हूँ मैं और पूछता हूँ कहाँ घुमाएंगे वो हमें आज. दीपू भाई, गुड मॉर्निंग. ज़रा बताइए हमारे व्यूअर्स को आप कहाँ लेके जाएंगे आज हमें. आज हम लोग जाएंगे फुल मस्ती करने बर्फ के अंदर. और कहाँ जा रहे हैं. सोलांग वैली. सोलांग वैली पॉसिबल है जाने के लिए, अगर देखते हैं. चलिए ठीक है, सोलांग वैली, हिडम्बा टेम्पल और मॉल रोड. हाँ ठीक है, चलेगा. लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आज का डे अच्छा हो और हम एंजॉय कर सकें. देखते कहाँ जाएंगे. All set. So we all are ready for Manali. Yeah. Hope हम मनाली में enjoy करें. I am planning कि भाई मनाली का trip हमने organize किया था, तो ये trip में मनाली घूम के आए. And well, अगर घूम लिया हमने तो कल अमृतसर के लिए निकल जाएंगे. Hopefully दीपू भाई हमको मनाली अच्छे से घुमाए आज. हाँ दीपू भाई. हाँ या नहीं. Okay, चलिए ठीक है.
enjoying. नहीं, अंदर के कपड़े रहने दो, वो जैकेट जो अपन ने टॉप लिए है ना, अभी ये जाड़े तुम्हारे, उसके ऊपर तुम कपड़े पहन सकते हो वाला, तो ले लो, कोई इशू नहीं है. सो वी आर हियर नाउ टू टेक द क्लोथ्स सुलोंग वैली जाने के लिए. परचेज द क्लोथ बोलूं? हेलो हेलो, क्लोथ लेके आना ये आराम से, बर्फ है नीचे थोड़ा देख लेना और उसके हिसाब से उतरना. ये हाँ, ये जयेश बर्फ पे पैर बराबर रखना. हाँ हम आ जाते हैं, बोलिए. क्या क्या एक्टिविटीज है पहले आप लोग? इसका ड्रेस का क्या कॉस्ट है अपने को? 250 पूरा जी, ड्रेस और शूज, शूज के साथ पर पर्सन एक्स्ट्रा चार्ज. सॉक्स और ग्लव्स का एक्स्ट्रा, हमारे ग्लव्स काम नहीं करेंगे वहाँ पे. आपके ग्लव्स काम करेंगे, जिसका ये लेदर और रेक्सिन का होगा. हाँ? इसका बुलन होगा वो नहीं चलेगा. ये चलेंगे? हाँ जी, चलेंगे ना. सॉक्स किसी का भी नहीं चलेगा, सॉक्स दूसरा होगा, लेना पड़ेगा. हाँ जी, क्योंकि हमारे बुलन वाले ही है. ये तो ये दस अभी में काम नहीं चलता है, नहीं देगा. ये हम तो यहाँ देखो, बर्फ में ना जाके तो ऐसे सॉक्स पहनते हैं, अलग होते हैं ना, अलग सॉक्स. बर्फ का सॉक्स अलग होते हैं. तो सॉक्स का कितना पड़ेगा अपने को? 100 रुपीस बाई का, मतलब 350 रुपीस. 350 में 250 ऑनर का होगा. ड्रेस चूज कुछ भी मेरा नहीं है, आपने सिर्फ सॉक्स का पेमेंट मुझे करना. अच्छा, मुझे मतलब 250 का ड्रेस पड़ेगा और ये 100 का पड़ेगा. और ग्लव्स अगर जिसके वहाँ नहीं पड़ेगा उसको भी 100 प्लस और ग्लव्स 100 का. ठीक है, ये वाला सॉक्स होते हैं, ये गरम रहेगा. सॉक्स रहने दो, फिर सॉक्स मत दो, शूज ले लेते हम लोग. ठीक है, और दूसरा मैं ये बोल रहा था, ये 250 का कुछ रिफंड वगैरह है क्या? एक ही टाइम पेमेंट करना है, वापस रिफंड नहीं है कुछ इसमें? अभी सुबह ही पेमेंट होता है इसका. नहीं, पेमेंट कर देंगे बाद में, रिफंड है इसको कुछ? नहीं, नहीं. ओके ओके, ठीक है, चलेगा. तो आप यहाँ से रेडी, जूते कहाँ रखने हैं? जूते गाड़ी में रख देते ना अपन अपने. कलर में क्या करना है? फोटो काटना है. किसको कलर में चाहिए? कलर कलर किसी को कलर में नहीं मिलेगा. जिसको जो पैर दे रहा है जूते से, जो साइज मिलेगा, जो मिलेगा वो पहनो. चलिए, आप ही से चालू हो रहा है. जूता भी आपकी, आप गाड़ी में जाएंगे, बाद में गाड़ी में लेके जाना. भाई पैर डाल दो पहले, जय सर को तेरे. ओहो, लाली बन रहा है लड़का. ये ना ऐसा है, डालो अंदर. फटाफट रेडी हो रहे हैं हम लोग. ये दूसरे जन रेडी हो जाओ ना, ये यू गेट रेडी ना. आ जाओ, जितना जल्दी आप लोगों को फायदा है. वाले ऑलरेडी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ जी, पकड़ो जी.
हाथ ऐसे करके कैसे लगाओगे? ए और एक जन आ जाओ ना फटाफट, शूज निकालो, रेडी हो जाओ यार, इतने लोग हैं, तीन तीन लोग, चार चार लोग हैं, तीन तीन हैं एड्रेस लगाने के लिए, आ जाओ। चलिए फोन फोन मेरे को रखो, इसमें रखो, दे दो जो भी है। ये फोन लेके जाने का है? हाँ लेके जा सकते, अभी रेडी हो जाओ, चलो फटाफट, जितना जल्दी आप लोगों को फायदा, जितना जल्दी आप लोगों को फायदा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, बोलिए। ये देख लो भैया, ये एक्टिविटी है, ये सारे एक्टिविटीज है, स्की है, जिप लाइन है, बंजी जंपिंग है, माउंटेन बाइक है, स्नो बाइक है, जिप लाइनिंग। अच्छा, ये सब का कॉस्ट कितना पड़ेगा? ये पड़ेगा सर आपको, कितने लोग हैं आप? हम लोग 11 लोग हैं, एक छोटा बच्चा है, 10 जन है। 10 जन, 10 जन एक्टिविटी करेंगे। हाँ, अभी एक्टिविटी कितने करेंगे डिसाइड नहीं है। 5, 6, 7 7 एक्टिविटी। ये पड़ेगा सर आपको टोटल 4500 टोटल, विद ड्रेस और विद गाइड के साथ। विद गाइड के साथ। और अगर इसमें से कोई पर्टिकुलर एक दो एक्टिविटीज करने हैं तो? कोई बात नहीं सर, कर सकते हैं। उसका क्या क्या कॉस्टिंग रहेगा? कौन सा करना है सर? पर एक्टिविटी क्या कॉस्ट है? एक एक एक्टिविटी का कॉस्ट क्या है? इसका पड़ेगा 600 पर पर्सन। इसका स्की का 600, इसका 500 पड़ेगा, इसका भी 700 पड़ेगा। ओके, इसका भी 500 पड़ेगा, इसका 300 पड़ेगा, इसका 300 पड़ेगा। और स्नो बाइक का? स्नो बाइक का भी 700 पड़ेगा। 700, ठीक है, ओके फाइन। तुम इनको पूछ लेता हूँ किसको क्या क्या करना है, फिर मैं आपको बता दूँ। सो वी ऑल एवरीवन, सब सेट है ना ठंडी में जाने के लिए? यस। अरे याक देखे वो, याक याक याक। हाँ, वाइट मतलब नहीं, जाम बना है। लेना ग्लव्स, गॉगल्स? नहीं नहीं, कैप है, देखो सर्जी ग्लव्स, पेन ग्लव्स। इतना जाम लगा है, आर्यन चलो चलो, ग्लव्स 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 उठा लेना, मेरा खाली तेरे हाथ में ही रखा। ये जैकेट तो यही रहेगी ना? नहीं, उधर फोटो निकालने के लिए लेके जा रहा हूँ। जैकेट? हाँ, इसके ऊपर ही पहन लूंगा। सो नाउ ऑल सेट, डिसाइड ऐसा हुआ है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बस ऊपर नहीं जा पाएगी हमारी, तो हम यहाँ से वॉक करके जाएंगे ऊपर की तरफ, जहाँ पे हमारा जो 3 एक्टिविटीज़ होने वाला है वो होगा। ऐसा बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ पे होटल का, आप देख सकते हो, इट्स वेरी गुड व्यू ओवर हियर। आ जाओ जिनल मिस, आ जाओ जिनल मिस को देख लो आप लोग, क्योंकि वो नेसेसरी है, ब्लॉग में आते ही नहीं हमारे, तो उनको देख लो आप। और मौसम का ड्रेस देख लो, वेरी गुड। एक एक स्नो वुमेन आ जाओ सामने, कोमल, वेरी गुड। भाविका जरा बर्फ देख के, अरे गणेश, वेरी गुड। अरे प्रिया, कम ऑन, हेलो सर, चलिए बाजू हो जाए। अरे ए, हमारा अमिताभ बच्चन, वेरी गुड। जयेश और सबसे छोटा स्नोमैन को जरा वीडियो में लाया जाए। वाह विदान, हाय, चलिए विल मूव नाउ। आपको फ्रंट व्यू दिखा देता हूँ कैसा दिख रहा है यहाँ पे। यस, ये बात तो है, ऐसा कुछ व्यू है यहाँ पे। वॉक फास्ट एवरीवन, डोंट वेस्ट द टाइम, वॉक फास्ट। अरे दो माले का बूट दिया सबके बूट तो ऐसे ही है। अच्छा, जैकेट्स वगैरह कोई नहीं लिया क्या? लिया है, क्योंकि मैं तो पहनने वाली हूँ, शूट करो ना। ये हमारी जीनल मिस है, आप देख सकते हैं। चलो ना, चलो ना। जीनल मिस का पांचा और तीन या पांचा। क्या बात है? अभी चल भी देखो ना कैसे रहे। उनका बैग नेसेसरी है, किधर भी जाओ ये बैग उनके साथ रहता ही है। और ये देख सकते हैं हम उतरे क्यों है, बिकॉज ये तो ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा है, और आगे हमारे गाइड साहब चल रहे हैं जो हमें सब चीज़ के लिए गाइड करेंगे। ये म्यूजिक डालना चाहिए वीडियो में। और आप देख सकते हैं रोड पे ये स्नो है, ये पड़ा हुआ है, और हम चल रहे हैं। बाकी व्यूज तो बहुत ही प्यारा है,
मैं इससे प्यारा हूँ। इधर प्यारा प्यारी बाद में कर लेंगे हम लोग, अभी चलते रहिए खाली। सौ ये पहाड़ बहुत प्यारा और बहुत ऊंचा पहाड़, चलते रहिए सब लोग। बोलिए जी। ओह माय गॉड, ऐसे ऐसे घर मिल जाए ऐसा कुछ तो मजा आ जाए। सब आ गए फैमिली मैन, फटाफट चलिए, आपके ग्लेयर्स मुझे चाहिए सर। देश वाले पर काहे ना आए। वाव, आराम से, इंसान का ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए। ये लोग ऐसे रुकेंगे तो इंसान भी रुक जाएंगे ना। तो वेरी गुड, चलते रहिए आपने ट्रैफिक क्लियर किया है। ए फटाफट फटाफट बताए रे। जल्दी चलो, जल्दी चलो सब लोग, चलो 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 चलो। कौन जाएंगे और कितना दूर है? थोड़ा चलना है, थोड़ा ही चलना है। वैसे आपका नाम क्या है जी? जी आपका नाम? मेरा नाम पीयूष। पीयूष, अच्छा है जी, जरा अच्छे से हमको एक्टिविटी करवाना आप, ठीक है ना? क्या बच्चे खुश होने चाहिए, जो हमारे क्लासेस के बच्चे सब हैं इनको हम घुमाने लेके आए यहाँ पे। तो दो दिन पहले आए थे मनाली से, वापस चले गए हम लोग क्योंकि बर्फ चल रहा था बहुत, तो ग्रीन टैक्स के एरिया से हम रिटर्न हो गए थे। और अब ऐसा हो गया है कि आज सुलॉन्ग वैली ओपन है, तो हम ऐसा प्लान में है कि जो भी एक्टिविटीज़ कर सकते वो कर ले और आप हमें बहुत अच्छे से करवाएंगे ऐसा हम सोच रहे हैं। हाँ नहीं, ये क्या है, कैफ़े 1947 की कैफ़े है ये, कुछ ऐसा दिख रहा है आप देख सकते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आज का डे अच्छे से जाए, बिकॉज ड्रीम था यहाँ आना। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है क्योंकि गेस्ट बहुत ज़्यादा आए हुए यहाँ पे। बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा है। आगे सब कहाँ गए? सब खाने दवाने तो सबको बहुत पीछे रह के लगता है। कम फास्ट एवरीवन, जल्दी जल्दी। और ये सुबह का सूरज, इस सूरज की वजह से हमें यहाँ आने मिला है। अगर सूरज नहीं होता तो शायद हम यहाँ नहीं आते। तो थैंक्स यू सूरज बाबा। एवरीवन कम फास्ट। जयेश की फैमिली किधर है? वहीं रुके क्या लोग? जयेश लोग उधर ही रुके? एक बार दीपू भाई को फोन करो ना। क्यों? मेरे ग्लव्स शायद बस में है। बस तो भाई वापस। सो ऑलमोस्ट अब रीच हो जाएंगे हम जी। थोड़ा दूर रह गया है।
फिर उसके बाद हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बहुत ज़्यादा एंजॉय करने का मूड है, देखते क्या होता है। व्यू तो बहुत प्यारा है, हमारे लिए तो बहुत ही प्यारा है। लेट्स होप सब अच्छे से हो। सो वी हैव रीच द साइट नाउ। आपको वे दिखाता हूँ, बहुत स्नो जैसा हो चुका है यहाँ पे। ऐसा कुछ है यहाँ पे रोड चलने के लिए। आराम से स्लोली उतरो सब लोग। ज़्यादा क्राउड है आज यहाँ पे। चलिए देखते। अरे वरती चांगले बर्फ आहे। दिनेश So we have reached our zip line area now. बहुत स्नो है यहाँ पे और ये ऊपर की तरफ से zip line स्टार्ट होगा हमारा और वो वहाँ तक जाएगा और वहाँ से रिटर्न बैक वापस यहीं पे आएंगे। ये रास्ता है जहाँ हमें जाना है। फटाफट क्या करो, चल ये डाल दिया इसमें, एक इसमें डाल। ये आठ लोग का दिया ना, चलो चलो पर्ची दिया ना आठ लोग का। So we have entered zip line now. जय सीधे जा रहा है, चढ़ जाए, चलिए चढ़ जा। पकड़ इसको इसको नीचे बैठ। एक मिनट ना मैं चले yes, ready? Yes, ready? पैर ऊपर कर आ रहा भाई। हाँ भाई ऊपर रख और ऊपर रख। चल जल्दी आ गया यार जयेश, ये स्लो है, पैर ऊपर कर जयेश, पैर ऊपर कर।
आराम से। चलिए जयेश ऊपर चल। स्लिप होगा भाई। आओ भाई ऊपर आओ भाई। अभी जाओ जाओ। अच्छा अब फिर से जाना है छोटे से लाइन में। ओ बेटा जी वाओ भाई ये खुलेगा तो नहीं। एक मिनट चढ़ जाओ। चढ़ जाऊंगा ये देख लीजिए ये बराबर शोल्डर पे बराबर है ना तो वो लूज लग रहा है। शोल्डर देख लीजिए है ना। मौसम पैर ऊपर लूज लगा थोड़ा लूज है। ओके आप तो ओके। मौसम पैर ऊपर करना था लगा ना जानकी। हाँ आपको भेजू मैं पहले। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ ये हो गया ना क्या। हाँ अच्छा हम साथ में जाएंगे। जैसे आप एंडिंग में पहुँचे ना भैया तो नो पैर ऊपर करने खड़े सीधे। हाँ हाँ लग जाएंगे जाओ मैं पैर ऊपर करना है जाए। वन टू थ्री हो गए भाई खड़ा। चलिए एक मिनट भैया थोड़ा ऊपर को ले लो। हमको जाना कहाँ से अभी यहीं से आप इस साइड निकलो। चलिए भाई आराम से चला भाई रिस्की लग रहा है मेरे को ये। जाना किधर है? यहीं से ऊपर जाना है ये बाजू से। ओहो इधर 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 ऑल द बेस्ट मजा है कुछ भी नहीं है। ये आ जाओ भैया ये क्या है? बैठ पैर कर सीधा सीधा कर अंदर आना अंदर आ। हाँ बस रेडी यस चलो हाँ सेट हो गया। ऑल डन नाउ सारे एक्टिविटीज़ हो गए। अब यहाँ से देखते हिडम्बा टेम्पल जाने मिला तो हिडम्बा टेम्पल जाएंगे या तो फिर मॉल रोड जाएंगे। लेट्स होप कि देखते कहाँ जाने मिलता है अभी हमको क्योंकि स्नोफॉल फिर चालू हो चुका है। यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा तो स्नोफॉल चालू हो चुका और इस रोड पर ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा ही है तो हम लोग चल के जा रहे हैं। उसका रीज़न ये कि बस तो नीचे की तरफ है हमें चल के जाना होगा क्योंकि सी स्नोफॉल हैज़ बीन स्टार्टेड नाउ। तो अभी मिलता हूँ मैं आपको बस में फिर से देखते हैं कहाँ जाने मिलता है अब हमको। आ जाओ सब लोग। सो नाउ वी आर प्लानिंग फॉर मॉल रोड। मॉल रोड की तरफ जा रहे हैं। आर्यन चलना पड़ेगा। जीनल मिस को लाओ। जीनल मिस को कहाँ है? जीनल मिस को आने दो। हाँ आ जाओ सब लोग चलते रहो। हाय चलते रहो चलते रहो। सब आगे चलो मैं तुम्हारे पीछे ही चल रहा हूँ।
इस सिरा का व्यू है यहाँ पे। पूरा हमको वॉक करके चलना पड़ेगा क्योंकि स्नोफॉल की वजह से रोड ब्लॉक है, गाड़ी नहीं जा पा रही है, छोटी गाड़ी चल रही है सिर्फ, बड़ी गाड़ी नहीं चल पा रही है। ठंडी है बहुत ज़्यादा, चलने नहीं हो रही है सर। यस, चलने तो नहीं हो रहा है, बट अभी क्या है, आए तो ये विज़िट करना भी बनता है, तो सीधा सीधा चलना है अपने को। वॉक स्ट्रीट बाद में हमें मालूम पड़ेगा किधर जाना है। साइड चलेंगे तो अच्छा है। चलते रहो साइड से, किसी एक जन को खाली पूछ लो कहाँ है मॉल वाला। बाजू हो जाओ, बाजू हो जाओ। यहाँ पे रुक के थोड़ा कुछ अगर खाने का मिलता है तो कुछ खा भी लेते। okay. क्या बोलते हाँ yes, yes. आए थोड़ा शॉपिंग तो कर लेते कुछ ना कुछ, और कुछ खाने को मिलता है यहाँ पे तो खा लेते, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। विल एंजॉय, आए तो सब जगह एंजॉय करना अपना फर्ज बनता है, विल एंजॉय, बट इतना याद रखो कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो यर स्टार्ट विथ मॉल रोड। ये पूरा मॉल रोड का एरिया है, देख सकते आप बहुत अच्छा है, व्यूज तो बहुत प्यारे हैं। तो कुछ इस तरह दिखता है मॉल रोड, ये कुछ है गुलाब जामुन है वो, ऐसा कुछ मॉल रोड दिखता है। व्यू तो बहुत प्यारा है, नॉर्मल मार्केट जैसा ही है। यस ये कम यार, गुलाब जामुन खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं। हाउ मच ही सेड, 30 रुपीज़ हाफ एंड 30 रुपीज़ का 30 रुपीज़ फुल, 30 हाफ और 50 का फुल। फोटो निकालते ना, ठीक है चलो भाई, नहीं चलिए पूछ लेते हैं। यहाँ पे सर जी आप हैं यहाँ, एप्पल का अचार मिलेगा, कैसे मिलेंगे दिखाई नहीं जरा। टेस्ट करने के लिए कुछ मिल सकता है थोड़ा सा। हाँ so, हमने कुछ शॉपिंग कर ली है यहाँ पे, आपको दिखाना चाहूँगा हमने ये सब शॉपिंग की है यहाँ पे। तो ये हमने शॉपिंग की है यहाँ पे, देख सकते हैं आप सब ने शॉपिंग की है। चलिए देखते हैं अब आगे क्या मिलता है हमें। सो फाइनली आई हैव रीच द होटल वंस अगेन, अपने रूम में आ चुका हूँ। आज का दिन ठीक ठाक था, इतना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, थोड़ी सी एक्टिविटीज़ वगैरह हमने किए। और दूसरा हमने हिडम्बा टेम्पल जाने का सोचा था, बट ज़्यादा लेट हो गया आज वहाँ से निकलने का, तो हिडम्बा टेम्पल गए नहीं। प्लस मॉल रोड घूम के आए, थोड़ा बहुत शॉपिंग किया है। सो ओके ओके डे, कल सुबह निकल जाएंगे अमृतसर के लिए। वहाँ कल फुल डे ट्रैवलिंग रहेगा, तो कल का व्लॉग में आपको सिर्फ ट्रैवलिंग व्लॉग्स दिखेंगे। उसके बाद हम 9 तारीख को जाएंगे अमृतसर, यानी कि गोल्डन टेंपल जाएंगे, देन वाघा बॉर्डर, और उसके बाद हम देखेंगे और कुछ प्लेस विजिट करने मिला तो वहाँ चले जाएंगे। होपफुली आपको व्लॉग्स पसंद आते रहेंगे, तो प्लीज़ व्लॉग्स को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन।